हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट रेसिपी जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और ये बच्चों को बड़ों को ब्रेकफास्ट में साथ ही स्नैक्स टाइम पे किसी भी टाइम आप सर्व करें तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। ट्रैवलिंग के लिए भी आप इसे बना कर रख सकते हैं। ये विद इन वीक आप कंज्यूम कर सकते हैं, खराब नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। और आपको ये बता दूं, ये रेसिपी उत्तराखंड से बिलोंग करती है। यहाँ पर मैंने मसूर दाल ली है जिसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोख कर लिया था और इसका पानी निकाल के ये इस तरह से है। अब 1 कप लिया है ये मैंने, साथ ही यहाँ पर 1.5 कप हम इसमें पानी यूज करेंगे, नॉर्मल पानी। साथ में धनिया, अदरक लहसुन, रेड चिली पाउडर, नमक और गरम मसाला, सिंपल से इंग्रेडिएंट है और इसी से हम इसे रेडी करेंगे। सबसे पहले जो दाल है उसे ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे, साथ में उसमें लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली इसमें डाल रही हूँ, ये भी कट करके डाल लेंगे। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही एक पैन लेंगे हम, खुला पैन, और नॉन स्टिकी लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें हम 1.5 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हिलाते हुए ये एक मिक्सचर की तरह बन जाएगा। और जो ये बैटर बना है इसे हमने, जब तक ये प्रॉपरली कुक नहीं हो जाता और जो दाल की रॉनेस है वो नहीं चली जाती, तब तक इसे इसी तरह मिक्स करते हुए कुक करेंगे। यहाँ पर आंच हम हल्की रखेंगे और इसे इस तरह शेक करते रहेंगे ताकि इसमें लंप फॉर्म न हो, क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी नीचे चिपक सकती है। तो इसे लगातार हिलाते हुए ही इस तरह कुक करेंगे। कंटिन्यूसली इसे प्रेस करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि लंप फॉर्म नहीं हो और ये नीचे भी तले पे नहीं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इसमें काफी बुलबुले उठने लगते हैं और ये देखिए काफी थिक इस टाइम लग रहा है। इस टाइम हम इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो कर लेंगे। यहाँ पर नमक, रेड चिली पाउडर, साथ में धनिया, वो भी हम बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आप ऐसे भी इसे रख सकते हैं या थोड़ी सी इसमें टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ टर्मरिक इसमें ऐड की है और इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर इसमें ऐड किए हैं वो मिक्स हो जाएं अच्छे से। और जो साइड में ये चिपकता रहता है उसे आप हटाते रहेंगे, जिस तरह खांडवी अगर आप बनाते हैं इस पैन में, तो खांडवी में भी सेम यही प्रोसीजर हम लोग करते हैं। उसे कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं जब तक कि वो थिक नहीं हो जाता, और थिक भी इतना कि वो स्प्रेडेबल हो जाए, उसे हम स्प्रेड कर पाए। यहाँ पे इस बैटर को हमने स्प्रेड तो नहीं करना है लेकिन हमने इसे सेट करना है, तो उस तरह हम इसे कुक करेंगे। 20 से 25 मिनट हमें इसे कुक करने में लग जाते हैं और डिपेंड करता है आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइम जाएगा। और अभी देखिए काफी हद तक ये कुक हो चुका है, तो हल्का सा इसमें मैं घी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून, ताकि जो लास्ट में हम अगर टेम्परेचर इसका तेज करते हैं तो वो तले पे लगे नहीं। और अब थोड़ी देर में देखेंगे ये साइड छोड़ने लगता है, एक थिक सा मिक्सचर बन जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए काफी थिक ये हो गया है। इस बीच हम एक प्लेट को ग्रीस करके रख लेंगे जिसमें हमें इसे सेट करना है, और लास्ट में इसका टेम्परेचर तेज करके हम इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहेंगे जब तक कि हमें वो स्प्रेडेबल टेक्सचर नहीं इसका मिल जाता। और देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इस टाइम हम आंच कर कम कर देंगे इसकी, या आप बंद कर सकते हैं। और अभी से क्योंकि पैन गर्म है तो इसे लगातार ही हिलाते रहेंगे, अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी इसे छोड़ते हैं तो इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे जो कि हम नहीं चाहते इस टाइम इस बैटर में। मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट थोड़ा सा इसमें
जो होता है कि स्प्रेड हमने करना है उस तरह का टेक्सचर चाहिए, तो वो हम इसमें ले आएंगे मिक्स करते हुए। ये देखिए ऑलमोस्ट डन है, ये जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी है उसमें इसको पोर कर देंगे। ऐसे किया था तो ये बिल्कुल क्लीन हमारा पैन निकल रहा है, और अब इसे स्प्रेड कर देंगे इस थाली में। जितनी मोटी भी आप थिकनेस रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। आप छोटे टिन में कर रहे हैं तो आप मोटा ऐसे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। जिस तरह की भी आपको इसमें पीसेस चाहिए उस तरह आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। ये मैंने इसे इवनली कर लिया है, इसे थोड़ा सा टिप कर देंगे ताकि एयर बबल निकल जाए इसमें से। और अब इसे हम 3-4 घंटे रख देंगे ऐसे ही ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। और ये देखिए सेट होके इतना अच्छा हो गया है, और इससे हम कट कर सकते हैं। आप चाहिए तो डायमंड शेप कट कर लीजिए, मैं यहाँ पे इस तरह से कट कर रही हूं। और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ऊपर की सरफेस फिर भी थोड़ी सी अनइवन लगती है, बट नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो एकदम प्लेन ही लगता है, और इसके पीसेस भी इजीली निकल जाते हैं। ये देखिए काफी ग्लॉसी हो रहा है नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें घी था। ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसे उत्तराखंड में बड़ील कहते हैं। ये मसूर की दाल की बड़ील होती है, और जब भी मसूर की दाल सीजन में होती है, जिस टाइम आती है उस टाइम ये बहुत बनाई जाती है। इस तरह हम पीसेस को कट कर लेंगे। इस तरह ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इस तरह भी इसे खा सकते हैं, बट इसे फ्राई कर लें तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और आप इसे इस तरह एक डिब्बे में रख दीजिए, हफ्ते भर तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। और जब आपको खाना हो तभी आप इसे फ्राई करें तो उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे। उसमें मैं तिल के दाने डाल रही हूँ, आप चाहे तो जीरे के साथ छौंक लीजिए इसे। उसमें हल्का सा तेल डाला है मैंने, उसके ऊपर ये पीसेस रख देंगे इस तरह। और ये देखिए अच्छे से इस पे कोट हो गए हैं ये। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। आप इस रेसिपी को एक ट्राई जरूर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।